अगर हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो यहाँ के किसान जो है धान की खेती के साथ कहीं ना कहीं अरहर की खेती करते हैं, जो मेड़ होता है, हाँ मेड़ पर लगाते हैं। हाँ तो अगर जो मेड़ पर लगाते हैं अरहर, उसकी क्या विधि है, किस तरीके से लगानी चाहिए, और उसका जो चुनाव, जो प्रभेद का चुनाव है, कौन सा प्रभेद सबसे उपयुक्त होगा यहाँ के लिए? हाँ यूजुअली हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन वाला ही किस्म जो है सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। जैसे आशा हो गया आपका, UPAS 120 का हो गया, IPA 203 हो गया है, बहार हो गया है, PUSA 9 हो गई, ये सब आपको लॉन्ग ड्यूरेशन है, कब से चल रहा है, ये सब आप मेड़ में लगा सकते हैं। और राइस के साथ जो डायरेक्ट सोन राइस होता है उसमें भी अगर बीच में आप राइस राइस के साथ आप अरहर भी खेत में लगा सकते हैं, मेड़ में भी लगा सकते हैं और खेत में भी 6 रो राइस लगा के 1 रो अरहर ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारा मिट्टी का भी जो सॉइल फर्टिलिटी होता है, अरहर में नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो बैक्टीरिया रहता है, राइजो बैक्टीरिया बोलते हैं, ये अपने से जो हमारा जो जलवायु में जो नाइट्रोजन होता है, नत्रजनी जो होता है, वो बैक्टीरिया फिक्स करता है, फिक्स करके फसल को देता है। जैसे आप अरहर लगाएंगे तो लगभग आधा नाइट्रोजन जो है हमको बाहर जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो यूरिया देते हैं वो हम लोग आधा डोज कम कर सकते हैं, तो एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया। और इसके साथ साथ जो अरहर का जो पत्ता है वो सब गिरता रहता है, इसमें क्या होता है ये डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करता है, ये भी अरहर के लिए और जो अरहर के साथ जो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं दोनों के लिए बहुत फ़ायदा होता है। और इसके साथ दूसरा है, अरहर को भी एक फ़ायदा है, क्योंकि अरहर और हम लोग जैसे किसी क्रॉप के साथ ग्रो कर रहे हैं, जैसे हम लोग सोरगम के साथ ग्रो कर रहे हैं, तो उकटा रोग जो है हमारा झारखंड में बहुत सारा फैला हुआ है, विल्ट बोलते हैं इसको, फफूदी से आता है, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उकटा रोग जब हम सोरगम लगाते हैं उकटा रोग अरहर तक पहुँचता नहीं है, तो इसीलिए मिट्टी में आपको जो है उकटा रोग का प्रकोपन हम लोग कम कर सकते हैं, लगभग 70 से 80% हम लोग उकटा रोग को कम कर सकते हैं। और इसके अलावा पॉड बोरर जो पीलू होता है अरहर में जो लगता है, जो छेद करके तना चना वो सब खा लेता है, इसको हम लोग अगर सोरगम के साथ लगाएंगे तो वो पॉड बोरर भी हम लोग को लगभग 80 से 90% तक हम लोग कम कर सकते हैं। अगर हम अरहर की खेती की बात करते हैं तो अरहर की खेती या दलहन की जो भी खेती की जाती है उसमें राइजोबियम कल्चर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो क्या अरहर की खेती में भी राइजोबियम कल्चर ज़रूरी है? हाँ, अगर आप हमारा मिट्टी देखते हैं तो सॉइल टेस्टिंग करने के लिए बोलते हैं, अगर आपका मिट्टी में नाइट्रोजन का बहुत कम मात्रा में है तो आप अरहर का जो है उसके साथ जो इनोकुलेंट मिलता है, हमारा राइजोबैक्टीरियम का इनोकुलम मिलता है बाज़ार में, उसके साथ स्टिकर भी होता है, हमारा जो बीज है बीज के साथ भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, 6 घंटा के अंतर इसको सोइंग करना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए, ज़्यादा धूप में भी सोइंग नहीं करना है। और अगर आप मिट्टी में भी डायरेक्ट अप्लीकेशन भी करेंगे तो जो कल्चर मिलता है बाहर का वो लिक्विड फॉर्मुलेशन में मिलता है, ग्रैनुलर फॉर्मुलेशन में भी मिलता है, ये दोनों आप मिट्टी में डाल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जल्दी से अपना जो है नोड्यूल जो बनता है अरहर का जल्दी से पकड़ लेता है और जल्दी से हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन शुरू हो जाता है।